मेरी एफए है और मैंने फैशन डिज़ाइन का कोर्स भी किया हुआ है। बड़ी लिखी लड़की हूँ, बस शौक के तहत आ गई इस फील्ड में। जब शोबिज़ में आई उसके बाद फिर टाइम नहीं मिल पाया, टीवी में काम किया, मॉडलिंग भी की और इसके अलावा फिर थिएटर भी कर रही हूँ। पंजाबी गाने करके ज़्यादा मज़ा आता है, उर्दू ठीक है लेकिन पंजाबी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। उसका गेटअप और उस पर जो हम डांस रिहर्सल करते हैं, मुझे मैडम नरगिस माशाल्लाह बहुत पसंद है और मैं इनकी बहुत बड़ी फ़ैन भी हूँ। हमारी फैमिली में तो कोई भी नहीं है, बस बस मैं ही हूँ और घर में तो अभी किसी को पता भी नहीं है। जब पता चलेगा वो बात की बात है। क्या बात, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कुरबान प्रिंस और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान थिएटर इंडस्ट्री का एक खूबसूरत नाम, एक उभरता हुआ चेहरा जिसने बहुत कम अरसे में अपनी एक अलग पहचान बनाई। जी हाँ, बिल्कुल मेरी मुराद है रानिया खान से। आज हमारे साथ मौजूद है रानिया खान, उनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि शोबिज़ इंडस्ट्री में कैसे उनका आना हुआ, कितना अरसा हो गया है, किसी मजबूरी के तहत आई या फिर शौक था जो उनको स्टेज की चकाचौंध रोशनियों में ले आया। अस्सलाम वालेकुम रानिया। जी वालेकुम सलाम। रानिया कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। रानिया क्या कहना चाहेंगी, कितना अरसा हो गया है शोबिज इंडस्ट्री में आए? सबसे पहले तो आप सबका थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे टाइम दिया। मुझे शौक था, मुझे बचपन से शौक था। कितना अरसा हो गया आए हुए और इससे पहले स्कूलिंग की एजुकेशन कहाँ तक हासिल? जी माशाल्लाह मेरी एफए है और मैंने फैशन डिज़ाइन का कोर्स भी किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी लिखी लड़की हूँ, बस शौक के तहत आ गई इस फील्ड में। फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया, फैशन डिज़ाइनर्स की तो मुल्क में बड़ी मांग है और एफए तक एजुकेशन भी की, तो फिर आगे एजुकेशन को कंटिन्यू क्यों नहीं किया? बस जब शोबिज़ में आई उसके बाद फिर टाइम नहीं मिल पाया, टीवी में काम किया, मॉडलिंग भी की और इसके अलावा फिर थिएटर भी कर रही हूँ तो टाइम बहुत कम मिल पाता है, फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाते। टीवी पर भी आपने कहा काम किया, मॉडलिंग भी की और अब थिएटर भी कर रही हैं, तो कितना डिफरेंस देखती हैं तीनों डिफरेंट मीडिया में? तो मुश्किल होती है, मॉडलिंग एक अलग फिनोमेना है और योंडर है टेलीविज़न एक अलग से स्क्रीन है और थिएटर सबसे मुश्किल काम लाइव परफॉर्मेंस। जी बिल्कुल, बस शौक की बात है, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, शौक हो तो आप सारे काम कर सकते हैं, बस लगन होनी चाहिए। जब पहला ड्रामा किया थिएटर पर कितना मुआवजा मिला था? क्योंकि जो पहली आमदनी होती है लड़का हो या फिर लड़की हो किसी भी काम, वो बड़ी यादगार और अहमियत की हामिल होती है, तो कितना मुआवजा मिला था और फिर उस मुआवजे का क्या किया? मैं ये नहीं बताऊंगी कितना मिला था कितना नहीं, लेकिन हाँ बहुत अच्छा लगा था क्योंकि जाहिर सी बात आप जितनी मेहनत करते हैं उसका जो मुआवजा मिलता है ना उसको खर्च करने का अपना ही मजा है। किस फनकार को देखा कि इसकी तरह बनना है, इसके जितना नाम बनाना है उसी की तरह का मुकाम हासिल करना है? जी मुझे मैडम नरगिस माशाल्लाह बहुत पसंद है और मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन भी हूँ और मुझे उनके एक्सप्रेशन बहुत अच्छे लगते हैं और कोशिश करती हूँ कि उनके जैसा काम कर पाऊँ, लेकिन बेशक वो हमारी बहुत मोस्ट सीनियर आर्टिस्ट हैं और उनको मैं हमेशा मिस करूँगी क्योंकि मैं उनके साथ काम नहीं कर पाई, बहुत ख्वाहिश थी उनके साथ काम करने की लेकिन मेरे आने से पहले वो शायद फील्ड को खैर बात कह चुकी थी। रानिया सबसे ज़्यादा उर्दू गानों पर परफॉर्म करके अच्छा लगता है या फिर पंजाबी गानों की सिलेक्शन को ज़्यादा तरजीह देती हैं कि हल्ले गुल्ले वाले पंजाबी गाने हों, अल्लड़ मुटियार बनी हूँ स्टेज पर और इस तरह के गानों पर ज़्यादा मज़ा आता है? जी देखिए हमारा कल्चर तो पंजाबी है तो इसलिए पंजाबी गाने करके ज़्यादा मज़ा आता है, उर्दू ठीक है लेकिन पंजाबी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, उसका गेटअप और उस पर जो हम डांस रिहर्सल करते हैं पंजाबी ज़्यादा मज़ा आता है। कितना अरसा डांस रिहर्सल करते हैं और फिर फाइनली आकर परफॉर्म करते हैं? वीक कम से कम हो जाता है क्योंकि जाहिर सी बात है फ्राइडे से हमारा प्ले स्टार्ट होता है तो नेक्स्ट फ्राइडे तक हमें कोई भी आइटम सॉन्ग या फिर किस प्ले की तैयारी करनी हो तो वो एक हफ्ता पहले जारी हो जाती है। फैमिली में पहले भी कुछ शोबिज़ इंडस्ट्री में था या आप ही थी जिसने ज़िद्द की कि नहीं मैंने शोबिज़ में ही जाना है और शोबिज़ में अपना नाम बनाना है और आगे? नहीं हमारी फैमिली में तो कोई भी नहीं है, बस बस मैं ही हूँ और घर में तो अभी किसी को पता भी नहीं है, जब पता चलेगा वो बात की बात है। क्या बनता तो फिर जब जाती होंगी फैमिली में तो लोग ये तो कहते होंगे अच्छा जी उन सेल्फी लेनी तेरे नाल बड़े ड्रामे आ रहे हैं परफॉर्म करें नाम बन रहे तो तब कैसा लगता होगा? देखिए मेरे घर में तो किसी को पता ही नहीं और वैसे भी अगर केबल पर कभी कभार स्टेज पर आ जाता है तो वो देखते नहीं है, हाँ जब कभी पता चलेगा तो देखते हैं क्या होता है। क्यों नहीं देखते स्टेज पर? वो इस चीज़ को लाइक नहीं करते हैं। आप तो लाइक करती हैं तो आप आ गई, तो फिर बाकी घर वाले अफराद को भी कन्विंस करें कि नहीं भाई ड्रामे देखें, फैमिली ड्रामे आ रहे हैं बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं हमारे मेहनत करें, थिएटर के फनकार इंडियन फिल्मों में काम कर रहे हैं। आप भी मुझे घर से निकलवाना लगता है फिल्मों जो टीवी पे नहीं देखते तो वो जाहिर सी बात लाइव कैसे देखेंगे, तो उनको तो अभी पता भी नहीं है, जब पता चलेगा वो बात की बात है। ये बहुत अच्छी बात है
के स्टेज के जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको माशाल्लाह बाहर के मुल्कों में भी और पंजाबी मूवीज़ में बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट किया जा रहा है। मुझे खुशी होती है कि हमारा जो जितने भी स्टेज आर्टिस्ट हैं उनको बहुत अच्छा मौका दिया जाता है, और इंशाल्लाह मुझे भी मौका मिला तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर करूँगी। यानी कि आपने कहा है कि अगर फिल्म में आपको ऑफ़र होती है तो आप काम करेंगी, किस अदाकार की हीरोइन बनना पसंद करेंगी कि इस अदाकार के साथ मैंने हीरोइन आना है? गिप्पी गरेवाल मेरे फेवरेट है। उसकी क्या ख़ास वजह है? फेवरेट इतने इंडियन पंजाबी आर्टिस्ट आ रहे हैं और आपने सिर्फ गिप्पी गरेवाल, वजह? बस मुझे वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं पंजाबी मूवीज़ में, और पाकिस्तानी मूवीज़ में मुझे दानिश तैमूर सर बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब उनके साथ काम करना अच्छा लगेगा। और इसके अलावा जितने भी माशाल्लाह फेमस एक्टर हैं, जाहिर सी बात है तरक्की की तरफ जाना चाहिए, और मौका मिला तो इंशाल्लाह ज़रूर। अगर गिप्पी गरेवाल आपके सामने आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं आपको अपनी फिल्म के लिए सिलेक्ट करना चाहता हूँ, कुछ डायलॉग मुझे बोल के बताएं रोमांटिक किस्म का, क्या डायलॉग आप उनके सामने बोलेंगे? गिप्पी गरेवाल खड़ा हुआ है फर्ज किया यहाँ पे और आपने उनको रोमांटिक डायलॉग बोल के कन्विंस करना है फिल्म के लिए? ये बहुत मुश्किल सवाल की है क्योंकि मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। एक दफ़ा तो जाहिर सी बात है जो मेरे सामने आएंगे जाहिर सी बात मैं शॉक्ड हो जाऊँगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जिसको आप बचपन से लाइक करते हों और आप देखते आ रहे हों एकदम से आपके सामने आ जाए, जाहिर सी बात है क्या एक्सप्रेशन हो क्या भी जानते हैं। तो डायलॉग बोल देना एक, अचानक दिल से क्या निकलेगा कि पसंदीदा अदाकार हीरो सामने खड़ा है जिसको बचपन से देख रही हैं, इतना भी वो खैर बचपन से नहीं है आपकी, तो वो सामने आ गया उसको रोमांटिक डायलॉग बोलना है, बोलें आज। देखिए मुझे फील्ड में तभी थोड़ा ही अर्सा हुआ है, लेकिन जब से मैंने उनकी मूवीज़ देखी तब से उनकी बहुत ज़्यादा फैन, बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ उन्हीं की मूवीज़ देखते हूँ, हमारे घर में सभी लाइक करते हैं। आखिरी सवाल आपसे, कभी ऐसा हुआ है कि परफॉर्म करने आई हो, बहुत अच्छी क्लैप हुई हो और किसी आर्टिस्ट ने कहा हो जी इसने मेरे रंग के कपड़े पहन लिए, ये आज के बाद मेरे सामने पहले गाना नहीं करेगी, या कुछ इस तरह का कभी हुआ हो और दिल दुखा हो कि नहीं मैंने तो इतनी मेहनत की पूरा हफ्ता परफॉर्मेंस पे और अब इस तरह की बातें सुनने को मिल रही? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ। जितने भी साथी फनकार हैं माशाल्लाह वो बहुत ही ज़्यादा केयर करने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, और उनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जब भी माशाल्लाह नेक्स्ट कभी मुलाकात हो तो बहुत खुशी होती है उनसे मिलकर और अच्छा लगता है। और कोई भी किसी से जेलस नहीं होता बल्कि अप्रिशिएट करते हैं, हमारे जितने भी सीनियर हैं वो माशाल्लाह बहुत अप्रिशिएट करते हैं, और उनके साथ काम करके कुछ सीखने को मिलता है, अच्छा लगता है। आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे देखने वालों को और अपने चाहने वालों? सबसे पहले तो थैंक्स आवाम का, पब्लिक का, जो हमें इतना अप्रिशिएट करती है, हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम इतनी मेहनत करते हैं। ड्रामा जो आजकल माशाल्लाह महफिल थिएटर में जा रहा है वो बहुत ही अच्छा ड्रामा जा रहा है, फैमिली प्ले है, और मैं सबसे यही कहूँगी कि महफिल थिएटर में ड्रामा देखने ज़रूर आएँ, फैमिली प्ले है और हम इस पर बहुत मेहनत करते हैं ड्रामा में, और एक हफ़्ता हमारी रिहर्सल जारी रहती हैं, और डांस परफॉर्मेंस में भी हम बहुत मेहनत करते हैं। आप सबसे प्लीज़ प्लीज़ आप लोग हमारे प्ले लाजमी देखने हैं, फैमिली प्ले महफिल थिएटर में काम कर रहे थे। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन आपने रानिया खान की खूबसूरत गुफ्तगू सुनी जिन्होंने अपने मदाहों से अपील की है कि हम पूरा हफ्ता एक ड्रामा जो आपके सामने दो घंटे का प्ले पेश किया जाता है उसके लिए पूरा हफ्ता रिहर्सल करते हैं और फिर फाइनली प्रोडक्ट तैयार होती है जो आपके सामने पेश की जाती है, तो इसलिए आप एक मरतबा तनकीद करने से पहले ज़रूर आएँ, हमारा ड्रामा देखें और फिर उसके बाद अपना फ़ैसला सुनाएं। उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो, आज का ये इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे रानिया खान के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।